हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के 5 नए अपडेट के बारे में। जी हाँ, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो 5वां अपडेट अगर आप इनको जानना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं तो इन सारे 5 हैक्स को आप सीख लीजिए, आपका व्हाट्सएप का चलाने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। जी हाँ, व्हाट्सएप आप चलाते हैं तो इन 5 अपडेट को आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ में 5वें नंबर का जो अपडेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूज करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ, व्हाट्सएप के 5 हैं कुछ इस तरह से हैं। पहले आपको यहाँ पर पहली जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इस तरह से, आपको अपने सेटिंग्स के अंदर जाना है, फिर आप अगर अपने व्हाट्सएप में आप यूज करते हैं कॉलिंग का फीचर। जी हाँ, व्हाट्सएप से आप कॉल करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अगर इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो इससे आपका व्हाट्सएप का कॉल कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा और ना ही थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई सुन पाएगा। जी हाँ, आप अगर ये इनेबल कर दिए तो केवल व्हाट्सएप के ही सर्वर से आपका कॉल यहाँ पर जाएगा और आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं एडवांस सेटिंग में जाना है, आपके प्राइवेसी में मिलेगा और आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स, इस पर आपको इनेबल कर देना है गाइस, ये देख सकते हैं। तो आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इनेबल करेंगे, आप किसी को कॉल करेंगे तो अगर किसी से बात करेंगे तो केवल यहाँ पर व्हाट्सएप सर्वर से कॉल जाएगी और उसके साथ ही आएगी, तो कोई भी यहाँ पर कोई भी आपको अदर जो है थर्ड पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट इसको सुन नहीं पाएगा। तो इसको आपको इनेबल करना बहुत जरूरी है अगर आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं। दूसरे नंबर के यहाँ पर मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ और वो है वीडियो कॉल को लेकर। जी हाँ, आपको कुछ दिनों पहले आपको यहाँ पर जो है वीडियो का ऑप्शन मिला रहा होगा और उस पर देखेंगे तो उस पर हुआ क्या था कि आप वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर ही देख सकते हैं यहाँ पर ही वीडियो कॉल मिला हुआ था, बट आप यहाँ सिंगल टैप करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो कॉल वहाँ पर नहीं जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, पहले सिंगल टैप करते तो वीडियो कॉल जाता था बट वो नहीं जा रहा है। तो अब उसके लिए जाने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा, सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको अपने यहाँ पर चैट सेक्शन में जाना है और यहाँ पर इंस्टेंट वीडियो मैसेज ये देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेंट वीडियो मैसेज का ऑप्शन है, इसको आपको यहाँ पर इनेबल करना है। और आपको ये जैसे इनेबल कर देंगे अब बैक आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, मैं बैक आ जाता हूँ और जिस किसी को मैसेज करना है तो यहाँ पर सिंगल टैप जैसे करेंगे तो देख सकते हैं वीडियो का मैसेज बन गया। ये पहले अपडेट आया हुआ था तो इसमें व्हाट्सएप ने कुछ चेंज कर दिया, जो कि आपको ये सेटिंग जो वीडियो मैसेज सेटिंग थी वो अब जो है सामने वाले के पास जो है अब वहां सेटिंग में जाकर इसको सेटिंग को ऑन करना होगा तभी आप वीडियो मैसेज यहां पर कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी सेटिंग फ्रेंड्स। अब यहां पर तीसरी सेटिंग की बात करते हैं और तीसरी सेटिंग यहां पर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप 3 डॉट्स पे जाना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा और फिर आपको जाना होगा अपने प्राइवेसी में। तो यहां पर प्राइवेसी में जाएंगे तो यहां पर देखेंगे कि जो है अब यहां पर व्हाट्सएप जब प्रोफाइल फोटो आप लगाते हैं तो व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो जो है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहले 3 ऑप्शन देखने मिलते थे। जी हाँ, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने मिलते थे बट आपको यहाँ पर अब मिल रहा है 4 ऑप्शन। जी हाँ, एवरीवन और माय कॉन्टेक्ट और नोबडी का ऑप्शन मिलता था बट यहाँ पर भी माय कॉन्टेक्ट एक्सेप्टेड का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, आप चाहेंगे जिसको दिखाना, जी हाँ जिसको दिखाना चाहेंगे उसको यहाँ पर, अगर जिसको नहीं दिखाना चाहते अपना व्हाट्सएप का प्रोफाइल तो उस पर केवल रेड डॉट यहाँ पर क्लिक कर देना है, सिलेक्ट कर देना है तो वहाँ पर वो बंदा आपके जो है प्रोफाइल को नहीं देख पाएगा, यहाँ पर डन कर देना है इस तरह से। जी हाँ, जिसको आप नहीं दिखाना चाहते इसको क्लिक करेंगे तो रेड बन जाएगा और उसके बाद वो आपके प्रोफाइल को फोटो को नहीं देख पाएगा। तो इस तरह से आपने फोटो जो आपको प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है उसको यहाँ पर दूसरे किसी से बचाना चाहते हैं तो वहां से बचा भी सकते हैं। तो इस तरह से आपने व्हाट्सएप के तीसरे ट्रिक का यूज करके आप अपने फोटो को अपने प्रोफाइल को यहाँ पर हाइड भी कर सकते हैं, जिसको चाहते हैं दिखाना, जिसको नहीं चाहते हैं उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम, यहाँ पर अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर तीसरे चौथे नंबर के जो ट्रिक है उसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए चौथे नंबर ट्रिक्स में यहाँ पर एक ऑप्शन आया हुआ है पास की का। जी हाँ, पास की का ऑप्शन, ये मैंने यहाँ पर पास की लगाया हुआ है और आप भी अपने अकाउंट में जाएंगे वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पासकी का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको अपना पासकी वहां पर बना लेना है। पासकी से फायदा क्या होगा फ्रेंड्स, आप कभी भी अपना व्हाट्सएप अगर इंस्टॉल करेंगे तो जब भी अगर आप इस फोन में अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद जब भी लॉगिन करेंगे तो आपका पास यहाँ पर OTP जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ यहाँ पर वेरीफाई जो करना रहेगा वो आपका फेस का या आपका फिंगरप्रिंट का या आपके स्क्रीन का जो भी लॉक होगा, अगर उस पर लगाएंगे उसके बाद ऑन करेंगे तो ये आपका जो है व्हाट्सएप ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और आपका व्हाट्सएप यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो आपको इस फीचर का जो है हेल्प लेना है और आप भी अपने व्हाट्सएप के जो
जो लॉगिन करते हैं अनइंस्टॉल करके, तो उसमें ओटीपी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओटीपी में प्रॉब्लम होती थी, कभी कभी आपका व्हाट्सएप को ओटीपी नहीं आता था और अपने व्हाट्सएप को दोबारा से लॉगिन नहीं कर पाते थे। तो इस चौथे का जो अपडेट है उसको यूज करके आप अपने व्हाट्सएप को दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर पांचवा जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, अगर आप अपना व्हाट्सएप चलाते हैं तो जी हाँ, व्हाट्सएप अगर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है तो व्हाट्सएप ने यहाँ पर एक जो ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर ईमेल आईडी एड्रेस का, और यहाँ पर अब इन फ्यूचर व्हाट्सएप यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी को अगर ऐड कर देते हैं तो व्हाट्सएप इन फ्यूचर आप कभी भी अपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो व्हाट्सएप फोन के साथ साथ आपके हो सकता है ईमेल आईडी को भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकता है, ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी भेजेगा और वहाँ पर भी लॉगिन का ऑप्शन दे देगा और वहाँ से ओटीपी लॉगिन करके डाल के आप अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। तो पांचवा अपडेट काफ़ी अच्छा है, जो कि सारे लगभग एप्लीकेशन मिलता था कि आप अपने ईमेल आईडी वहाँ पर लॉगिन कर सकते थे या अपने फ़ोन नंबर से, तो यहाँ पर व्हाट्सएप में भी जो आ चुका है कि आप अपने ईमेल आईडी को ऐड कर दीजिए और कभी भी आपका अगर मोबाइल नहीं अवेलेबल होता है तो आप अपने ईमेल आईडी से ओटीपी लेकर और वहां पर लॉगिन कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को। तो ये थे व्हाट्सएप के पांच हैक्स और पांच अपडेट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेश। अगर आपको भी इससे कुछ नॉलेज मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलते मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।